हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट खूनी जंग का मैदान बन गया है। पहले से जारी जंग के बीच इसराइल के इस अटैक ने उसे हिजबुल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। एक के बाद एक हो रहे लगातार हमलों से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी जंग को और बढ़ाने का काम किया है और अब इस जंग में सीधे ईरान खुलकर इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलें दागकर मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी को भड़काने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इसराइल भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसके साथ ही इसराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमले की प्लानिंग भी कर रहा है और इसी कड़ी में इसराइल ने बेरूत पर हमला किया। इस हमले में करीब 6 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोग घायल हो गए। इसराइल का कहना है कि उसने बेरूत पर सटीक हवाई हमला किया और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने मध्य बेरूत में संसद के करीब एक इमारत को निशाना बनाया था। लेकिन जिस बात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं कि आखिर हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को माना जा रहा था। लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी खबर इसराइल ने दी है जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। जी हाँ, इसराइल ने दावा किया है कि लेबनान के बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन मारा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफीद्दीन बेरूत के एक बंकर में बैठक कर रहा था, तभी इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। ये इसराइली हमला नसरल्ला को मारने वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था और इस दौरान बंकर पूरी तरह तबाह हो गया। ये हमला हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि इसे लेकर IDF या लेबनान में हिजबुल्ला की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसा दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि हिजबुल्ला का चीफ बनने से पहले ही IDF ने सफीद्दीन को ढेर कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि हाशिम सफीद्दीन कौन है और हिजबुल्ला को उस पर इतना भरोसा क्यों है। हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला के मारे जाने के बाद हाशिम सफीद्दीन सुर्खियों में आ गए। उन्हें हिजबुल्ला का प्रमुख बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। दरअसल नसरल्ला और हाशिम सफीद्दीन न केवल रिश्ते में भाई हैं बल्कि साथ में पढ़ाई लिखाई भी की है। साल 1966 में पैदा हुए सफीद्दीन ने नसरल्ला के साथ इराक के नजफ और ईरान के कूम में धर्म की पढ़ाई की थी। दोनों ने युवावस्था में हिजबुल्ला में शामिल हो गए थे। हाशिम सफीद्दीन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी रहे और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के संस्थापकों में से एक रहे। कासिम सुलेमानी के संबंधी भी रहे। बता दें कि सफीद्दीन के बेटे की शादी कासिम सुलेमानी के बेटी से हुई है। इस तरह सफीद्दीन को ईरान का भी समर्थन हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि हाशिम सफीद्दीन सूरा काउंसिल के अहम सदस्यों में से एक है और संगठन के जिहादी काउंसिल के प्रमुख भी। इसलिए हाशिम की मौत की खबर से सनसनी है, लेकिन यहाँ कुछ भी कहना तब तक सही नहीं है जब तक कि हिजबुल्ला आधिकारिक या इसराइल आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर देता है।